संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि हर साल 17% यानी करीब 1.03 अरब टन खाद्य उत्पाद बर्बाद होता है। ये बर्बादी पिछली रिपोर्टों से कहीं ज्यादा है। इसी पर संयुक्त राष्ट्र ने अब खाने की बर्बादी को लेकर एक संकल्प लिया है। क्या है यूएन का वो संकल्प और इससे इन आंकड़ों में कैसे आएगी कमी, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 17% खाने की चीजें बर्बाद होती हैं। हालांकि इसकी सीधी तुलना करना मुश्किल है क्योंकि इसके आकलन की अलग अलग पद्धतियां हैं। इसी पर ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने कहा कि आकलन में सुधार से प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है। ज्यादातर बर्बादी या उसका 61% घरों में होती है, जबकि खाद्य सेवाओं में ये बर्बादी 26% और फुटकर में 13% है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र विश्व भर में खाद्य बर्बादी कम करने के प्रयासों में जुटा है और शोधकर्ता भी बर्बादी का आकलन करने के काम में लगे हैं। इसमें उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले बर्बाद होने वाले खाद्य पदार्थ शामिल है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में 930 करोड़ टन खाना कचरे में बर्बाद किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने साल 2030 तक खाने की बर्बादी को कम करने का संकल्प लिया है। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन WRP के सहयोग से फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में ये बातें कही गई हैं। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब किया गया ये भोजन भी खेतों में ही उगता है और सप्लाई चेन के माध्यम से बाजारों और फिर ग्राहकों तक पहुंचता है। इसके बाद इसको खाया नहीं जाता है और इसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है, जबकि इस भोजन से करोड़ों लोगों का पेट भरा जा सकता है। इस रिपोर्ट को बनाते समय यूएन ने दुनिया के देशों को उस तकनीक के बारे में भी बताया जिससे वो अपने यहाँ पर खराब होते खाने का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। UNEP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन का कहना है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो इसका खामियाजा भी एक दिन हम ही को उठाना होगा। दुनिया के हर देश और हर देशवासी को इस तरफ ध्यान देना होगा कि अन्न का एक दाना भी खराब न होने पाए। खाद्य उत्पाद को बेकार करने में सबसे आगे अमीर देश हैं। घरों से करीब 11%, फूड सर्विस से करीब 5% और रिटेल आउटलेट से करीब 2% खाना बर्बाद होता है। इसका असर न सिर्फ सामाजिक तौर पर काफी व्यापक होता है बल्कि ये पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस तरह के बर्बाद हुए खाने का प्रभाव ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन पर भी पड़ता है। खाने की बर्बादी को रोककर हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण और वातावरण से संबंधित है। इसका असर हर जगह देखा जा सकता है। यूएन की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि खाना ना मिलने का दर्द कोई उनसे पूछ के देखे जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। और हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि खाने की बर्बादी बिल्कुल ना करें। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।